बड़ी बहन पल्लवी अखिलेश से किया किनारा तो छोटी बहन अनुप्रिया बढ़ाने लगी दोस्ती का हाथ। पति योगी सरकार में है मंत्री और खुद है मंत्री केंद्र सरकार में, फिर भी अपनी ही सरकार को दिखा रही है आईना। लगातार अखिलेश यादव के सुर में मिला रही है सुर, कहीं पाला बदलने का इरादा तो नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं जितेंद्र यादव। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब होने के बाद अब उनके अपने सहयोगी ही आंख दिखाने लगे हैं। एनडीए की सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल पटेल की प्रमुख और मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के सुर भी अब बदले बदले से दिख रहे हैं, जिसे देखकर इन दिनों हर कोई हैरान है। अनुप्रिया पटेल ने एक हफ्ते के भीतर दो बार अपने ही बयानों से योगी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। अनुप्रिया पटेल 2016 से मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इससे पहले अनुप्रिया के ऐसे तेवर कभी देखने को नहीं मिले थे। अनुप्रिया पटेल ने कुछ दिन पहले ही SC ST OBC के अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठाया है। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल के संस्थापक और अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी ओर से पिछड़ों और दलितों से जुड़े जितने भी मुद्दे उठाए गए, उन सभी का समाधान हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच जोर शोर से कहा कि वह पिछड़े दलितों के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला पिछले कई सालों से जबरदस्त चर्चाओं में है। यह आरोप है कि इसमें SC ST OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के मुताबिक आरक्षण नहीं दिया गया। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित समुदाय के संगठन लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने भी अपनी ही सरकार पर हमला बोला था। तो वहीं कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, जिनको कि इस बार अखिलेश यादव ने पूरी तरह से पराजित कर दिया था, अब पेपर लीक और परीक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। जिस तरह से अपने सहयोगी ही बीजेपी को अब आंख दिखा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आने वाले समय में कौन क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चर्चाओं का माहौल गर्म हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।